पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश रावत आज अजमेर कलेक्टरेट पहुंचे और विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। विधायक रावत ने बताया कि अजमेर नगर निगम क्षेत्र के नजदीक दौराई गांव में जल भराव की समस्या विकराल रूप ले रही है। क्षेत्रवासियों का आना जाना भी परेशानी का सबब बना हुआ है। इसे लेकर क्षेत्रवासियों की ओर से भी कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यह सारा पानी अजमेर नगर निगम सीमा का दौराई क्षेत्र में जाकर भर रहा है, लेकिन निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है। ऐसे में जिला कलेक्टर को इसकी जानकारी दी गई और नाले बनाकर वहां से पानी अन्य स्थान पर डाइवर्ट करने की मांग की गई। इसके साथ ही बकरा मंडी के नजदीक लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर सड़क को सीधा बनाने की मांग भी की गई है। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और उनसे मांग की गई कि इन समस्याओं को जल्द दूर किया जाए, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। इन समस्याओं को लेकर के आज ये ज्ञापन है और किसके नाम दिया? हमारी पुष्कर विधानसभा के कुछ गांवों की मुख्य समस्या थी, जैसे कि हमारा दोराई गाँव है जो अजमेर नगर निगम की सीमा से सटा हुआ है, और बड़ी दुखी बात है कि अजमेर शहर का पूरा गंदा पानी नालों में बहकर दोराई गांव के वासिंदों के लिए का जीवन दुर्भर कर रखा है। हम नगर निगम में जाते हैं तो बोलते हैं कि साहब वो हमारा क्षेत्र नहीं है, वाजिब भी है उनका क्षेत्र नहीं है, लेकिन उनका सारा पानी अजमेर नगर निगम का जो क्षेत्र है उसी का वहाँ आता है। तो आज हम कलेक्टर साहब से मिले कि भाई उस समस्या का समाधान करें, वहाँ पर तुरंत प्रभाव से नए नाले बनाए, जो भी करना करे, लेकिन वहाँ लोगों को राहत मिले। दूसरी समस्या ये है कि हमारे इधर यहाँ से अजमेर शहर से ब्यौर की ओर चलेंगे तो बकरा मंडी के आसपास एक एस आकार का खतरनाक चौराया बना हुआ है, घुमाऊ है, उस आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और कई सैकड़ों की तादाद में उस मोड़ ने जिंदगियाँ नींद ली। तो आज हम कलेक्टर साहब से आए कि वहाँ अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ से वहाँ रोड का निर्माण हो रहा है, रोड की चौड़ाई का काम हो रहा है। कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर साहब खुद अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, हमने उनसे मांग किया कि भाई उस रोड को सीधा करें जिससे लोगों का जीवन बचाया जा सके। इसके अलावा भी हमारे पास के सोमलपुर गांव में वहां पे कब्रिस्तान का विषय था तो वो भी हमने रखा। इस तरह से क्योंकि बरसात का टाइम है, लोगों को गांव में बहुत परेशानी हो रही है, मौसम में बीमारियां भी फैल रही है, तो हमने कहा भाई इन समस्या को जल्दी समाधान करो।